क्रूजर सेगमेंट में एक छत्र राज चला रही बजाज की एवेंजर। आज मेरे साथ है 220 क्रूज। लॉन्ग टूरर्स की पहली पसंद कह लो या फिर काफ़ी जो सिटी यूजर्स है उनकी भी पहली पसंद ये मानी जाती है। और अगर आप इस पर्टिकुलर गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कई सारी प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। और हो भी क्यों ना लोगों की पहली पसंद, क्योंकि इसका लुक ही लोगों को दीवाना बना देता है। क्योंकि यहाँ देखोगे आप वाइट कलर में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसमें यहाँ पे जो ये बड़ा सा विंडशील्ड दे रखा है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कह लो या फिर इसकी लुक जो है काफ़ी इसके चार चांद लगा रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हेडलाइट का पोर्शन मिल जाता है विच इज़ कम्स विद हैलोजन। और इसके अलावा यहाँ एक अलग सी क्रोम फिनिशिंग भी नज़र आ रही है जो इसके लुक को और भी बेहतर बना रही है। इसके अलावा यहाँ देखोगे आप नीचे तो ये पूरा का पूरा नंबर प्लेट का सेक्शन आ जाता है। और यहाँ पे टायर्स थोड़े से आगे की ओर है जो कि क्रूज़र बाइक है, इस तरह से आपको मिलना ही है। इसके अलावा इसमें जो इंडिकेटर्स है डेफिनेटली ये भी आपको आई गेस ये LED के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल रहे तो गाड़ी गिरने पर ये जो है टूटने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा नीचे थोड़ा सा देखोगे आप तो यहाँ सस्पेंशन मिल रहे हैं आपको जो कि टेलीस्कोपिक विथ डबल एंटी बूस्ट फिक्शन के जो सस्पेंशन है वो मिल रहे हैं। मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी इनकी भी एबिलिटी है। मैं खुद एक एवेंजर यूज़र हूँ, मैं 180 CC की जो गाड़ी है वो यूज़ कर रहा हूँ जो अब तक काफ़ी अच्छी मुझे, वैसे वो BS6 में नहीं थी और फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया बजाज ने, तब से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और फिर ये 220 है, अपग्रेड होकर के आई हुई है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और ये पूरा डिस्क का सेक्शन मिल जाता है। अब की बार इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है 280mm के डिस्क के साथ। तो ब्रेकिंग में भी इसकी काफ़ी जो एक कमी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बना कर दे दी है, थोड़ा सा अपग्रेड करके दे दिया है। इसके अलावा अगर ऊपर के साइड आ जाए आके देखे तो यहाँ पे इसका जो पूरा का पूरा लुक है इस तरह से दिखता है। हैंडल बार अगर देख लिया जाए तो ये रेज है, ऊपर की साइड है और हो भी क्यों ना क्रूज़र सेगमेंट की गाड़ी है, इस वजह से इस तरह से ये दिख रही है, इसकी बनावट इस तरह से है। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, मैं आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। पहले तो यहाँ हैंडल बार की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको बार एंड मिल जाते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं आपके हाथों को, इस तरह से यहाँ पे रहे और कुछ लग जाता है तो दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे ये जो है बचा लेता है आपके हाथों को, इस तरह से कुछ प्रोविजन रहती है इसकी और भी कुछ चीज़ें हैं। खैर, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक अलग ही तरह की डिज़ाइन है, स्ट्रिप्स है और फिर ये पकड़ने के लिए काफ़ी ईजी है, विदाउट ग्लोव्स भी आप गाड़ी को आराम से चला पाओगे, इस तरह से कुछ दे रखा है, हाथों में पसीना है तब भी। या आपका जो है क्लच आ जाता है यहाँ से, आप लाइट वेट है वैसे ये मैं देख पा रहा हूँ। और फिर स्विचेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख लोगे ये स्विचेस ठीक ठाक है, मैं कहूँगा बेहतर क्वालिटी तो है लेकिन इस गाड़ी में पर्टिकुलर जो स्विच है वो थोड़ा सा मुझे हार्ड नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पास स्विच मिल जाता है आपको और फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाता है, ये हॉर्न का स्विच है, बस इतना ही कुछ यहाँ दे रखा है। इस साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा नीचे ये जो है लाइट का जो स्विच है वो मिल रहा है ऑन ऑफ का। ये आपका इग्निशन स्विच मिलता है स्टार्ट करने के लिए। अगेन यहाँ पे आपको कुछ एक अलग सी जो स्ट्रिप है वो नज़र आ रही है, जो हैंडल बार है ये आप देख पा रहे हो, बार एंड यहाँ पे नज़र आ जाता है। अब चलते इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको चाबी दिखाना चाहूँगा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हवलदार भी पकड़ नहीं पाता इसको, तो यहाँ से ये कीज़ आपको लगानी पड़ती है। ये कीज़ इस तरह से मिलती है, दिखती है आपको, बजाज का लोगो है इसके ऊपर, एक को कवर कर रखा है दूसरी यहाँ पे लगती है। और इसका लॉक करने का सिस्टम आगे से वो भी मैं बताऊँगा, कुछ गाड़ियों का यहीं से होता है यानी कि ऊपर से होता है, यहाँ पे नहीं है। और फिर इसे ऑन करते हैं, जैसे भी आप ऑन करते हो इसे इसमें आपका जो है DRL जल जाते हैं साइड में। और फिर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर बढ़ते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप इसमें देख ही पाओगे। तो ये पूरी तरह से डिजिटल है, कई सारी इंडिकेशंस इसके अंदर आपको मिल जाती है, जैसे कि ऊपर देख रहे हो आप किलोमीटर पर हवर का ये मिल जाता है यानी स्पीड मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको फिर ये कितनी किलोमीटर चली है वो दिख जाती है, ऑडोमीटर इसके अंदर मिल जाता है, ये डिजिटल क्लॉक भी इसके अंदर मिल जाती है। वैसे क्लॉक है थोड़ा सा पीछे चल रहा है ये, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। खैर, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक स्विच मिल रहा है और ये ट्रिप मीटर है, इस साइड में भी ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब मिल जाता है आपको। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से ऊपर जो है ऑपरेशंस कर पाओगे इसके सारे। यहाँ फ्यूल का भी इंडिकेशन आपको मिल जाता है।
और फिर इसके एग्जैक्ट नीचे थोड़ा सा एक डिजिटल जो है मीटर भी मिल रहा है आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नीचे एग्जैक्ट फ्यूल टैंक पे, या बजाज का लोगो मिल जाता है, ये न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाता है, ये जो है आपका ABS का स्विच मिल रहा है। इसके अलावा ये बटन अगर आप घुमाओगे यानी कि लगाओगे तो इंडिकेशन भी दिख जाता है, और फिर इसके अलावा पास स्विच लगाओगे तो वो भी यहाँ पे जो है फ्लिप ब्लिंक होके नज़र आ जाता है। तो यही कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में है। अब इसको बंद करता हूँ मैं वापस से। तो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है पूरा का पूरा। अब अगर साइड व्यू की बात कर ली जाए, साइड लुक की बात कर ली जाए, तो जैसे आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे जो फ्यूल टैंक मिल रहा है उसके ऊपर जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी सी नज़र आ रही है। इसके अलावा ऊपर जो है वो क्रोम फिनिश में पूरा का पूरा नज़र आ रहा है आपको, ये काफ़ी मैं कहूँगा अच्छा लग रहा है। क्रोम का एडवांटेज तो होता ही होता है, कुछ हद तक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं क्योंकि ये अगर फेड हो गया या फिर इसके ऊपर स्क्रैचेस लग गए तो थोड़ा सा मुश्किल होता क्लीन करने के लिए। यहाँ पे एक अच्छी खासी स्टिकर जो है स्टिकिंग आपको मिल रही है, ये एवेंजर का एक बड़ा सा लोगो मिल रहा है विच इज़ लुकिंग वेरी गुड, एक आई कैचिंग जो है लग रही है। और वैसे भी गाड़ी देखो आप काफ़ी लंबी है, बड़ी है, तो हाईवे पे चलते वक्त आपको बेहतरीन फीलिंग आती है गाड़ी को चलाते वक्त। ये फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर का मिल रहा है, माइलेज डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। अब इसके दिल की बात कर ली जाए यानी इंजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI इंजन मिल जाता है। बजाज की अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी है DTSI जो इसमें आपको डली हुई मिल रही है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ ये इंजन आता है, 4-stroke SOHC 2-valve इंजन आपको मिल रहा है। और अब ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 19.03 PS की एट द रेट 8500 RPM पर, और मैक्स टॉर्क 17.55 NM की जनरेट करता है एट द रेट 7000 RPM पर। इस गाड़ी में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है जो कि किक स्टार्ट नहीं मिल पाता है। जब ये गाड़ी BS4 में थी तब किक की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि सेल्फ स्टार्ट में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी, लेकिन आज की तारीख में ये भी जो है रिप्लेस कर दिया है, रिपेयर करके रख दिया है बजाज ने, तो बिना किक के भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो आज की तारीख में। इस तरह से ये गाड़ी मिल रही है। और यहाँ पे आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाता है जो कि मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का मिल रहा है आपको, तो 169 यानी 170 mm के करीब करीब आप पकड़ लो। तो अगर ख़राब रास्तों पे आपको चलना होता है, उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना होता है, ऑफकोर्स यस 220 क्रूज़ है ये, आपको लॉन्ग राइड के दौरान कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते और ख़राब रास्ते दोनों ही लगने हैं, तो ख़राब रास्तों में भी नीचे से कुछ हीट होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको मिल रहा है। इनफैक्ट व्हील बेस भी आप देखोगे तो 1490 mm का मिल रहा है जो हाईवे पे अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए काफ़ी बेहतर जो है साबित होते हैं। तो बड़ी सी बड़ी विंड फ्लो ही क्यों ना आ जाए, गाड़ी हिलती नहीं है, आप भी काफ़ी स्टेबल चलते हो, हाई स्पीड में भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसका मिलता है। और इसकी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने का काम करता है इसका कर्व वेट विच कम्स विथ 163 kg, 163 किलो का इसका जो पूरा का पूरा कर्व वेट है वो आपको मिल रहा है। और फिर बाकी ओवरऑल इस गाड़ी की जो फिनिशिंग आप देखोगे तो ये क्रोम का इसमें भरपूर यूज़ करा गया है। आप देखोगे जैसे कि व्हील्स पे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, इनफैक्ट फ्यूल टैंक पे लगा हुआ है या हैंडल बार पे भी लगा हुआ है, और फिर मिरर्स भी इसके कहीं ना कहीं आपको क्रोम फिनिशिंग में दिख रहे हैं। और मिरर्स की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, ये थोड़ा सा कर्व है, क्योंकि ये हैंडल थोड़ा सा रेज है इस वजह से। और मिरर्स की विजुअल एबिलिटी यानी कि जो पीछे आप देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। मतलब इनका एक पर्पज़ मैं बता दूं आपको, इनको आप चाहो तो इस तरह से यानी इस तरह से भी कर सकते हो जो पीछे देखने के लिए बड़ा सा वाइड एंगल व्यू आपको नज़र आ जाता है, या फिर आप इस तरह से भी जो है देख सकते हो जो पीछे आपके काफ़ी काम आने वाला है देखने के लिए। इस साइड से भी आप पूरा का पूरा जो है व्यू जो है इसे घुमा सकते हो, इस तरह से ये नज़र आता है। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है इस तरह की गाड़ियों में। हाईवे पे अगर आपको चलाना है तो घुमा लो, सिटी में चलाना है तो जैसा है वैसा रहने दो, काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो दे रखे हैं। इस गाड़ी की जो ओवरऑल सीट हाइट है वो 737 mm मिल रही है, काफ़ी लो हाइट है इसकी, इस वजह से आपकी हाइट 5.5 feet, 5.4 feet, इनफैक्ट 5.3 feet भी है तभी आप इसे चला पाओगे बैठ करके। अब अगर सीटिंग पोजीशन की बात कर ली जाए तो ये क्रूज़र सेगमेंट की गाड़ी है, एक तरह के आप सोफे पे बैठ के गाड़ी चला रहे हो, इस तरह की फीलिंग आपको आती है यहाँ बैठने के बाद। अब ये सीटिंग मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग भी बेहतर है इसमें, मेरी उंगलियाँ अंदर तक जा रही है। और फिर पिलियन के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ मैं कहूँगा
वाइडर होनी चाहिए थे, ये थोड़ी बड़ी हो जाती तो और मज़ा आ जाता, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट के लिए पीछे एक जो बैकरेस्ट है वो मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है लॉन्ग राइड के दौरान पिलियन के लिए। राइडर के लिए तो क्या कहना, इसकी सीट काफ़ी बड़ी है, ब्रॉड है, थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाता है, बैक सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, ओवरऑल गाड़ी पे जो सपोर्ट है वो अच्छा मिल जाता है सीटिंग की वजह से, इस तरह की यहाँ सीटिंग प्रोविज़न करी गई है। अब यहाँ से चलते हैं रियर में और देखते हैं इसके रियर लुक में आपको क्या नया देखने को मिलता है, कैसी है ये पूरी की पूरी गाड़ी। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स मैंने कहा ये एलईडी या फिर बल्ब दोनों में से किसी एक चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन इसके इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबल है, अगर टूटते भी है, ये लंबा है थोड़ा सा, ये पोर्शन थोड़ा शॉर्ट हो जाता तो शायद बेहतर होता, लेकिन लुक इन्हेंस करने के लिए यहाँ बड़ा कर दिया गया है। और मेरी जो गाड़ी है, मेरे 180cc की, यहाँ से दो बार टूट चुका है इंडिकेटर, इसमें वो प्रॉब्लम आएगा पता नहीं। और क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे भी नज़र आती है, मैंने जैसे कहा इस गाड़ी में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ करा गया है, जो काफ़ी इसका लुक अच्छे से इन्हेंस कर रहा है। इस गाड़ी का जो टेल लैम्प है यहाँ आप देख रहे हो एलईडी का मिल जाता है, इंडिकेटर्स एलईडी या फिर हैलोजन या फिर बल्ब जो भी है वो मिल रहे हैं। इसके बाद जो रियर सस्पेंशन, ये 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ आपको मिल रहे हैं। इसके सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड है, क्योंकि स्टेबिलिटी बनाने में ईजी सा साबित होना चाहिए इसलिए। और फिर यहाँ आपको ABS की रिंग मिल रही है, विच कम्स विथ सिंगल चैनल ABS, ड्रम ब्रेक पीछे मिल रहा है आपको 130mm का। टायर जो है वो ट्यूबलेस टायर से काफ़ी वाइडर टायर है, बड़ा सा टायर है, हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी बनाने का यही सबसे बड़ा कारण है। तो ये टायर्स, ये आपको 130x90 सेक्शन का 15 इंच का टायर यहाँ मिल रहा है, और आगे का जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बता ही दिया है। तो इस तरह से कुछ ये पूरी की पूरी गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशन प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पीछे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है, इसके नीचे एक लाइट है, शायद नहीं है, ये नंबर प्लेट का सेक्शन आ जाता है पूरा का पूरा आपका। और यहाँ पीछे अगेन एवेंजर नाम लिखा गया है, इस पे भी क्रोम की फिनिशिंग नज़र आती है, जो अपने आप में बेहतर लग रही है। यहाँ पे भी क्रोम है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्रोम का भरा हुआ है। अब इन शॉर्ट एक राउंड में गाड़ी का फिर से आपको लगा के दे देता हूँ, बता देता हूँ बीच बीच में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सीटिंग है, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे भी पूरी की पूरी क्रोम की जो फिनिशिंग है वो दे रखी है। इंजन पार्ट मिल रहा है आपको, DTSI टेक्नोलॉजी का इंजन मिल रहा है। फ्रंट से आपको ये आजू बाजू से यहाँ से LED के DRLs मिल रहे हैं, और बड़ी सी विंडशील्ड हवा से आपको बचाती है, धूल से आपको बचाती है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको आगे से डिस्क मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और फिर इस साइड से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है। ऊपर मैंने इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ से और फिर वहाँ से दोनों जगह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंजन का सेक्शन अगेन यहाँ पे आपको जो है गियर का मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें मिलते हैं आपको। ये आपका ओपन चेन सिस्टम इसमें आपको मिल रहा है, हर 500-600 किलोमीटर के बाद आपको इसे जो है क्लीन करना रहेगा अगर लॉन्ग राइड आप कर रहे हो तो। तो मुझे लगता है मैंने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इस गाड़ी को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें क्या चीज़ें मिल रही है, क्या कुछ खास नया इसमें आपको मिल रहा है। अब अगर आपके भी कुछ सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे इस गाड़ी की जो प्राइस है दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से 1,33,000 जो है मिल रही है। ये हर जगह अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस शोरूम की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे आप इस गाड़ी के बारे में जो है इंक्वायरी कर सकते हो, अगर आप पुणे सिटी के हो तो आप आस कोटगुरु या फिर चेतन पाटिल नाम लेकर के अगर आओगे तो बेहतरीन ट्रीट आपके साथ किया जाएगा। नगर रोड पे ईशान्य शोरूम नाम का एक शोरूम है, बड़ा शोरूम है, काफ़ी अच्छी जो वैरायटीज़ है इनके पास होती है, तो आप यहाँ पे आके मेरा नाम लेके जो भी है इंक्वायरी कर सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।